माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 278। अध्यक्ष जी, मेरे पास मूल प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को ऋण हेतु, कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है, परंतु फसल उत्पादन नहीं होने या अन्य किसी कारण से गरीब किसान की उक्त ऋण समय पर नहीं लौटा पा रहे हैं, तो माननीय मंत्री महोदय जी ये बताने की कृपा करें, ऐसे किसानों को जो ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, क्या उनका ऋण माफ किए जाने की मंशा राज्य सरकार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? ये पूर्व प्रश्न नंबर 2। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मिकों सेवानिवृत्तियों के बाद पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति उपलब्ध उपरांत मिलने वाले लाभ नहीं दिए जा रहे हैं। मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें कि राज्य सरकार द्वारा उक्त कर्मियों के लिए पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले लाभों की सुविधा शुरू की जा सकती है? अगर हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? महोदय, माननीय खेतड़ी से आने वाले सदस्य जी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत रूप से आकर के मिले, उनको जो भी जानकारी चाहिए वो मैं उपलब्ध करा दूंगा।